नमस्कार, मैं सीतामढ़ी जिले के परिहार विधानसभा क्षेत्र के मंझोला बाजार में हूँ। ये आरजेडी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पूर्वे जी का भी गांव है और ये बाज़ार बहुत ही मतलब भीड़ भाड़ वाला बाज़ार है। यहाँ पे मसाले भी मिलेंगे आपको, सब्जियाँ भी मिलती हैं, मछली भी मिल रही है, मुर्गा चिकन सब कुछ, और मटन भी मिल रहा है। हम यहाँ पे चुनाव को लेकर बात करेंगे कि चुनाव में कुछ मुद्दे हैं या फिर जाति या मजहब के नाम पर लोग बटे हुए हैं। एक यहाँ पे मसाले बेच रहे हैं, कई मसाले हैं, हल्दी है, लहसुन है, मिर्ची है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अब्दुल हकीम अंसारी। तो हकीम साहब, बताइए, चुनाव होने वाला है, अभी कुछ सरगर्मी है या फिर माहौल ठंडा है? जी, चुनाव होने वाला है, रामचंद्र पूर्वे का गांव आप बता रहे हैं, यहाँ पे दो दो मैडम लड़ रही थी, आप बता रहे हैं चुनाव लड़ रही हैं, तो चुनाव का माहौल गर्म हो गया फिर अभी ठंडा पड़ा है? अभी तो ठंडे समझिए, अभी नेता सब नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग वोटर हैं लालू प्रसाद के, रेती जसवाल के, और यहाँ जो है ज़्यादा करके उन्हीं का वोट है। अच्छा, बीजेपी का भी है, ना है सो बात नहीं है, 50 रुपये पुआ। तो क्यों आप बोल रहे हैं कि आप लालू जी के वोटर हैं? हम उनके वोटर, हर साल उन्हीं को वोट देते हैं, हर 5 साल पर। यहाँ पे और भी कई लोग हैं, दुकान पे भीड़ लग चुकी है। आप लोग भी सब इसी गाँव के हैं? तो आप ये बताइए कि आपसे दो दो महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी से भी और आरजेडी से भी, तो चुनाव को लेकर यहाँ पे कोई मुद्दा गर्म है, कोई मांग है या फिर सब ऐसी है पहले की तरह है? पहले की तरह कोई सर्दी गर्मी नहीं है सर यहाँ। हाँ, अभी कोई सर्दी गर्मी किसी के पास नहीं है। तो किसका माहौल किसका है? अब देखिए, अब वक्त आने पर बताएंगे किसका माहौल होता है। लालू का वोट देवे। हाँ, आपका नाम क्या है? कपिल देव राय। तो लालू जी की कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है? लालू जी का चीज वैसे काम कौन किया है सबसे ज्यादा? काम के तो केकरा काम तो सभी मिला जुला के ठीक है कल की है। हाँ, बिजली आई है गांव में? हाँ। बिजली किसके टाइम में आई? बिजली तो नीतीश जी के टाइम में आया है बिजली। तो आपको कौन अच्छे लगते हैं लालू और नीतीश में? दो बस बोलिए बोलिए। 6,000 ही दे लिया है। टिकट कितने भे गए पंजाब लुधियाना हरियाणा के जाए वाला? मान के चलो 3,000 4,000, वहू से ज्यादा गरीब के, तो गरीब मर रहा है, लॉकडाउन है, कहाँ जाओ है। तो हम सब लालू के पार्टी छी, हम सब लालू के वोट देवे वाला छी। हम सब एक जो यहाँ पे मुखिया खड़ी हैं, सिंह वाहिनी जो पंचायत है, ऋतु जायसवाल, तो उनकी चर्चा भी बहुत हो रही है, बहुत काफी पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छी से जीते हैं। वो तो फिर वो आरजेडी से पार्टी से हैं। हाँ, काम बढ़िया कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उनको आप वोट देंगे लालू जी के नाम पे या ऋतु जी के नाम पे? ना, अभी तो ऋतु जी के नाम पर देंगे। हाँ, ऋतु जी के नाम पर देंगे, ऋतु जी के नाम पर अभी देंगे। और जो गायत्री देवी हैं, तो मतलब गायत्री देवी घूमियो के ना ले कहियो, जीत के गेली तैया से घूम के ना ले। गायत्री देवी यहाँ की सिटिंग MLA हैं और राम नरेश यादव की पत्नी है। हाँ। और राम नरेश यादव अभी जेल में बंद हैं। आप जानते हैं गायत्री देवी को? जी जानते। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार, तो यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि लालू लालू जी बोल रहे हैं, तो क्या एक तरफा मामला है? नहीं, तो सब सब और ही का है, हम लोग बीजेपी का है। आप बीजेपी के हैं? जी। काम हुआ मतलब बीजेपी ने क्या करवाया आप लोग को? बीजेपी क्यों अच्छी लग रही है? सब काम करवाया, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जो बहुत रोड पुल, जैसे लाइन बिजली 24 घंटा। ये लोग बोल रहे हैं कि रोड पुल बिजली सब बीजेपी ने करवाया है। लालू के टाइम में पहले सब कुछ ना पहले बिजली आई। हाँ हाँ, वो आ रही बिजली आ रही, ऐसा कंटिन्यू नहीं था, ऐसा 18 घंटा बिजली तो नहीं मिल रहा था। यहाँ पे दो दो मैडम खड़ी हैं, एक गायत्री देवी, एक ऋतु जायसवाल, कुछ मुद्दा है? दोनों मैडम में कड़ी टक्कर है। देखिए, गायत्री देवी ये है, इतना दहार आया था पिछले बार, कभी देखने भी नहीं आया था, सहा दहार है, पानी आया, वहाँ के जनता क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कभी देखने नहीं आया है, समझ जाइए। वो उसको बाद में दूसरा नेता था। मुख्यमंत्री किसको बनाना है बताइए, मुख्यमंत्री किसको बनाना? सुनिए, एक मिनट हमको बोलने दीजिए। अने वो फूल साहब से गायत्री देवी ना है,
10 साल हो गया उनको चुनाव जीता हुआ, 2 बार चुनाव जीता है, हम लोग चिन्हबो नहीं करते हैं कि कौन गायत्री देवी है, कौन जो है कि यहाँ का जो है कि ये है क्या कहते हैं ML है, हम आज तक चिन्हते ही नहीं हैं। तब बताइए उस जगह पर वैसा वैसा आदमी को वोट देना उचित है, मुनासिब है? नहीं, कोई मुनासिब नहीं बनता। मुख्यमंत्री किसको बनाना है आप बताइए जी। ना हम आपको क्या पसंद, कौन किसको मुख्यमंत्री बनाना है इस बार? नीतीश कुमार। आपका नाम क्या है? मुमताज आलम। तो नीतीश कुमार ने कौन सी चीजें जो अच्छी की है, जो कि आपको बढ़िया लगता है? नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी बात है कि बिहार में बिजली और सड़कें, और ये दो काम बहुत बढ़िया किया उन्होंने। जो बिजली के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से तरस रहे थे, मतलब अंधेरे में जी रहे थे, और नीतीश सरकार के आते ही हम लोग के घर में उजाला हो गया, इससे बढ़िया क्या चाहिए। पूरा गांव है, ये गांव जैसे हम लोग का नदी में जा रहा है। मान के चलिए सरकार कहा के लिए रहता है, सरकार गांव के बचाने के लिए, लेकिन गांव को सरकार नहीं बचाया, गांव के सरकार नहीं बचाया। गांव को सरकार अगर बचा देता तब न कहता कि सरकार गांव को बचा दिया, लेकिन नहीं गांव को बचाया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू कुमार हो गया। तो राजू ये बताइए, आप तो युवा हैं और यहाँ से 2 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, तो कई लोग बता रहे हैं कि ऋतु जायसवाल एक अच्छी उम्मीदवार हैं। सही में अच्छी उम्मीदवार हैं ऋतु जायसवाल, तो अपने मुखिया के तहत पर होते हुए इतना काम की है अपना पंचायत में, उसको कोई विधायक के फंड में नहीं हुआ है। अच्छा, तो मुख्यमंत्री किसको बनाना है? अब उनको तो तेजस्वी यादव है उनको उम्मीदवार मुख्यमंत्री का, तो उन्हीं को बनाना है। नया युवा में तो वही छवि है। नीतीश कुमार ने कुछ काम करवाया आपके इलाके के लिए? नहीं, 5 साल पीढ़ी उनको ठीक ठाक चला, पिछला 10 साल में उसको कोई काम नहीं। 2005 से 10 तक। हाँ,